खरगोन जिले में अशासकीय शिक्षण संस्था संघ ने स्कूल की व्यवस्था को सुगम और सुचारू रूप से चलाने के लिए बच्चों के अभिभावकों तक संदेश पहुंचाने के लिए खरगोन के निजी होटल में एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें निजी शिक्षण संस्थाओं के संचालन में आ रही समस्याओं पर संघ ने प्रकाश डालते हुए अपनी वेदना व्यक्त की। आपको बता दें कि कोरोना काल के दौर ने आम जन के सामान्य जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। ऐसे में शासन की मंशा के अनुरूप निजी स्कूल बर्बादी की कगार पर जा पहुंचे हैं। इसी के चलते संघ ने अपनी बात शासन प्रशासन सहित विद्यार्थियों के पालकों तक पहुंचाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और वेदना व्यक्त की। इस दौरान संघ ने मीडिया का माध्यम ढूंढकर अभिभावकों से गुजारिश की है कि कोरोना दौर को देखते हुए विद्यालय संचालन में हमारा सहयोग प्रदान करें, जिससे हम विद्यार्थियों की शिक्षा को गति देने में सफल हो सके। भारतीय न्यूज के लिए खरगोन से रिपोर्ट। बस ये आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन चूंकि प्रशासन की ओर से कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, तो हमें भी इसकी बात की उम्मीद है कि हमारा प्रशासन सफल होगा और आने वाले समय में विद्यालय नियमित लगना शुरू हो जाएगा। अभी किस तरीके की समस्या आ रही है आपके साथ? अभी पालन और यही सोचना है कि आने वाले समय में जनरल प्रमोशन होगा और शिक्षण शुल्क देने की अनिवार्यता नहीं है, लेकिन हम बार बार बोल रहे हैं कि आप शिक्षण शुल्क दीजिए, विद्यालय में आइए, सबसे संपर्क करिए और बच्चों को संपर्क में रखिए, जिससे उनका मानसिक विकास भी बना रहेगा। हम किसी भी तरीके से बच्चों को प्रमोट नहीं करना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं, हम प्रमोट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और वो विद्यालय में और स्वागत उनसे बातचीत करें। अभी जो विद्यालय के आवर्ती खर्चों पर चर्चा हुई है जी, क्या लगता है कि ये क्षतिपूर्ति मिलना चाहिए या कंपेंसेशन किसी माध्यम से होना चाहिए? जी, प्रशासन के माध्यम से हमारा जो प्रांतीय स्तर का संगठन है वो लगातार आर्थिक पैकेज की मांग कर रहा है, प्रशासन से आरटी की बात भी कर रहा है, लेकिन स्थानीय स्तर पर ये हम लोग पालक से ही अपेक्षा रखेंगे कि वो शिक्षण शुल्क दें, ताकि हमारे जो आवर्ती व्यय हैं, शिक्षकों के व्यय हैं, वो पूरे किए जा सके और हमारा विद्यालय किसी भी आर्थिक स्थिति से उबर सके। Subscribe now to most exciting channel ever.